अच्छा मोहम्मद फयाज साहब हमसे एक सवाल करते हैं, और ये सवाल इन्होंने हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं भेजा, ये मुझे प्राइवेटली रब्ता मुझसे रखते हैं, बाहर रहते हैं और इंग्लैंड में होते हैं। तो इन्होंने कई मुझे ज़ोर दिया कि सर ये स्पेसिफिक इस टॉपिक के ऊपर आप थोड़ी सी गुफ्तगू कर दें, हमें बड़ी परेशानी है। कुछ नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उन्होंने ऐसे सवालात किए हैं कि जो थोड़ा परेशान कर देते हैं। तो मैं ख़ास तौर पे उनकी फरमाइश के ऊपर ये मैं मसले को समझा रहा हूँ, और उन्होंने काफ़ी ज़िद की थी। अच्छा मसला क्या है, मसले को ये समझिएगा कि हमारे यहाँ बहुत सी फ़िका की किताबें ऐसी हैं, फ़िका हनफी शाफी मालिकी, कि जिन किताबों के अंदर एक मसला ज़िक्र हो गया है। और वो मसला क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना के अंदर आज़ाद ख़वातीन भी हुआ करती थीं और ग़ुलाम और लोंडियाँ भी हुआ करती हैं। अच्छा जो लोंडियाँ हुआ करती थी, आज़ाद ख़वातीन के लिए तो पर्दे का हुक्म आ गया था, लेकिन लोंडियों के लिए पर्दे का हुक्म नहीं आया था। और पर्दे का हुक्म आ जाने के बाद भी जो लोंडियाँ हुआ करती थी वो बिल्कुल बेपर्दा ही आप बाज़ारों के अंदर जाना, घरों के अंदर काम करना, ये सारा मामला चला करता था। और ये मतलब जो सवाल करने वाले ये बात कर रहे हैं, और ये बात बहुत से फ़िका की किताबों के अंदर बिल्कुल ज़िक्र हो गई। अच्छा फिर क्या हुआ कि अब चूँकि उन्होंने लोगों की खिदमत भी करनी होती थी और बाज़ारों बाज़ार भी जाना होता था, तो उनके लिए पर्दे का हुक्म हमारे दीन ने बयान नहीं किया। इसी वजह से बाज़ फ़िका की किताबों के अंदर भी ये बात आ गई कि लोंडियों के लिए पर्दा नहीं है, बल्कि मर्द का और लोंडी के लिए पर्दा ऐसा ही है जैसे मर्द का मर्द के लिए, यानी नाफ से लेके घुटने तक का सितर है, लोंडी के लिए भी इतना ही बस सितर है, इसके अलावा जो उसकी बॉडी है ऊपर की या घुटने से नीचे की, उसमें पर्दे का कोई हुक्म नहीं। अगर किसी की नज़र भी उसके ऊपर पड़ जाएगी तो वो गुनाहगार नहीं होगा। ये मसले बहरहाल फ़िका की कुछ किताबों में आ गए हैं, ये फ़िका हनफी भी, फ़िका शाफी मालिकी में भी आ गए। तो उनका जो सवाल है असल में वो ये सवाल है दो तरीके से। पहला तो उन्होंने कहा कि क्या ये ठीक है कि लोंडियों के लिए पर्दे का हुक्म नहीं था, और क्या मुसलमानों के लिए इजाज़त थी कि वो नज़र देख सकते थे, मतलब लोंडियों के सीने को भी देख सकते थे। अच्छा दूसरा उन्होंने कहा कि अगर तो हम ये मान लें कि ऐसा था और उन पर पर्दे के अहकामात जारी ना होना वाज़े तौर पर एक इल्लत रखता है, वो इल्लत ये है कि उन्होंने लोगों की खिदमत करनी है, बाज़ारों में जाना है, परचेजिंग करनी है, ये सारे काम काज ये ग़ुलाम और लोंडी किया करते थे, लिहाजा अगर आज के दौर में ग़ुलाम और लोंडियाँ चूँकि ख़त्म हो चुकी हैं तकरीबन, लिहाजा अब ये काम आज़ाद ख़वातीन को करने पड़ते हैं, घर के काम लोगों की या मेहमानों की खिदमत भी करनी पड़ती है, बाज़ार भी जाना पड़ता है, ख़रीदो फरोख्त भी करना पड़ती है, लिहाजा जिस इल्लत की बुनियाद पर लोंडियों को पर्दे में रियायत हासिल थी उसी इल्लत की बुनियाद पर आज आज़ाद औरत को पर्दे में रियायत क्यों नहीं हासिल होती। ये बड़ा लंबा चौड़ा एक सवाल बन गया, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है एक अच्छा समझ में भी आएगा। और बाज़ लोग इस पर शायद एतराज़ भी करते हैं और इस पर दलाइल भी दे रहे होते हैं कि आजकल की आज़ाद जो ख़वातीन हैं इनको पर्दे की वैसी सख्ती नहीं है, लोंडियों वाले अहकामात इन पे जारी होंगे, कि जिस इल्लत पे लोंडियों के लिए पर्दे का हुक्म नहीं था उसी इल्लत के अंदर इन आज़ाद ख़वातीन के लिए आज पर्दे का हुक्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको ये समझा देता हूँ। देखिएगा अभी मैं एक मुकदमा पहले समझा दूँ ताकि ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि किसी एक मसले को वो किताबों में आ जाता है, वो किसी भी किताब में आ सकता है, वो फ़िका की किताब में आ सकता है, वो हदीस की किताब में आ सकता है, वो किसी तफसीर की किताब में आ सकता है, किसी भी किताब के अंदर किसी बात का लिखा हुआ आना, किसी मसले का लिखा हुआ आना, ये इस बात पर दलील नहीं होती है कि वो 100% ठीक बात है या हमारे दीन का मसला है। इसलिए कि हुज्जत है कुरान पाक, हुज्जत है हमारे लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो चीज़ें हैं जो बुनियाद है। अगर कोई भी बात ऐसी होगी जो किसी तफसीर की किताब के अंदर आ जाए लेकिन वो बात आपके कुरान पाक से क्लैश कर रही हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से क्लैश कर रही हो, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। वो किसी तफसीर की किताब के अंदर आना कोई ज़मानत नहीं थी कि वो बात ठीक है। इसी तरह अगर कोई रिवायत है, अगर कोई वाक़या है, वो अगर हदीस की किताब में भी आ गया, तो अक्सर मेरे लेक्चर्स तो आप सुनते रहते हैं कि सनद भी हम देखते हैं, सनद के बाद मतन को भी हम देखते हैं, किसी तरह का मुनकरुल माना ना होना चाहिए उसके मतन के अंदर, सब चीज़ें देखी जाती हैं कि हमारी जो असल है कुरान पाक और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे क्लैश कर रहा होता है, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती। यही हुक्म फ़िका का भी होता है कि अगर कोई भी मसला फ़िका की किताब के अंदर ज़िक्र हो जाए, ज़रूरी नहीं है वो मसला ठीक हो, वो गलती पर भी मबनी हो सकता है,
उसका इस्तेदलाल देखा जाता है, उस मसले का तमस्सुक देखा जाता है, अगर वो बिल्कुल ख़ता पर मबनी कौल है तो किताबों में लिखा आ जाना या उसी किताबों से आगे नकल हो जाना, ये इस बात पर कोई दलील नहीं होती कि उस मसले की हमारे दीन में कोई असल मौजूद है। ये एक बुनियादी चीज़ है, हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा। हर चीज़ वो चेक होती है कुरान से और सुन्नत से। फ़िका में आने वाली बात, फ़िका में आने वाली हर एक एक जुज़े, हदीस के अंदर आने वाली बात, हदीस की किताबों में आने वाली हर एक एक रिवायत, इसी तरह तफासीर की किताबों में आने वाली बातें और तफासीर की किताबों में आने वाली एक एक तफसीर, हर चीज़ को चेक किया जाता है। किसी भी बात के अंदर किसी भी तरह का क्लैश नज़र आ रहा होगा कुरान से या सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस बात को कभी भी कबूल नहीं किया जाता। ये एक बुनियादी चीज़ है, ये एक बुनियादी उसूल है, इसको हमेशा ज़हन में रखिएगा। लिहाजा कभी भी ये दलील नहीं होती कि फ़लाँ फ़िका की किताब में मसला आ गया, फ़लाँ जो है ना वो हदीस की किताब में ये रिवायत आ गई है, तो फ़लाँ तफसीर के अंदर ये मसला इस तरह ज़िक्र कर दिया, तो हमने ये पैमाना हमारे पास एक ही है, पैमाना ये है कि वो बात ठीक है या वो बात गलत है। अब ये जो मसला है याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा फ़िका की किताबों के अंदर ज़िक्र हुआ और नकल भी बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक मसला ज़िक्र हो गया किसी किताब के अंदर, उसके दलाइल क्या थे, उसके इस्तदलालात क्या थे, उसकी तरफ तवज्जो नहीं गई, बाद में आने वालों ने उस मसले को सिर्फ नकल किया, फिर आगे आने वालों ने भी उसको नकल कर दिया, तो वो नकल दर नकल आगे आता चला गया। तो इससे ये नहीं होता कि इतनी ज़्यादा किताबों में आ गया तो यार वो इसका मतलब है कोई ऑथेंटिक बात होगी, ज़रूरी नहीं है, हर बंदे ने दलाइल की तरफ गौर व फिक्र नहीं किया। अच्छा, मसला ये है कि बहुत कम उलामा ऐसे होते हैं और हर सदी में हर दौर में अल्लाह ताला के ऐसे नायाब उलामा ज़रूर होते हैं कि जो जो इल्मी बिदतें हमारी किताबों के अंदर दाखिल है ना, उनको साफ़ करते रहते हैं, उनकी वजाहत करते चले जाते हैं। ये मसला भी उन मसलों में से एक है कि जिसके अंदर एक इतनी इल्मी बिदत थी ये कि जो किताबों में आ गया, फ़िका की किताबों में ज़िक्र भी हुआ, नकल दर नकल बहुत सी किताबों में भी ये बात आ गई, लेकिन ये मसला बिल्कुल ठीक नहीं है कि लोंडियों के लिए पर्दा बिल्कुल नहीं था और मुसलमान जो मर्द थे वो ख़वातीन लोंडियों को बिल्कुल ऐसा देख रहे होते थे उनके सर पे ना पर्दा हो, बल्कि अगर उनका सीना भी खुला हो तो देखने की इजाज़त थी, सिर्फ नाव से लेके घुटने तक का पर्दा था। ये इतना बोगस मसला है, इतना नाकाबिल एतबार मसला है कि ना इसकी कोई असल है ना कुछ है, सिर्फ बास किताबों के अंदर आ गया, तो ये चीज़ हुज्जत नहीं हुआ करती। देखिएगा बहुत से उलमाए जिन्होंने वो काम किया है कि जो इल्मी बिदतें माजी में चलती आई हैं उनको निकाला है, इसमें से शेख इब्ने तैमिया साहब भी हैं, इसी तरीक़ाकार से मोहम्मद बिन साले उसैमीन साहब भी हैं, इसके अलावा मुद्दिस अल्बानी साहब भी हैं, इसके कुछ और उलमा भी हैं, इन सब ने ये जो मसला है पर्टिकुलर, इसको बिल्कुल वाज़े करके रख दिया है कि बिल्कुल ख़ता पर मबनी मसला था, इस पर कोई कुरान सुन्नत की दलील भी नहीं थी और मुसलमानों के ऊपर नहायत गंदे किस्म का ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मुसलमानों के लिए ख़वातीन जो लोंडियाँ थी कोई पर्दे का अहतमाम नहीं था, यहाँ तक कि सीना भी उसका पर्दा नहीं था, फजूल के हमारे दीन के मिजाज से मुआफ़त ही पैदा नहीं होती। अच्छा, अब हुआ क्या, देखिएगा बास फिका की किताबों के अंदर इस तरह ये जुमला आ गया कि लोंडियों का जो सितर है वो मर्द के सितर जैसा है, नाफ से लेके घुटना, जाहिर है इसका एक नतीजा निकलेगा, जाहिर है नाफ से जो ऊपर का हिस्सा है वो सितर में दाखिल नहीं होगा, घुटने से जो नीचे का हिस्सा है सितर में दाखिल नहीं होगा, जो चीज़ सितर नहीं उसको देखना भी जायज़ है, नतीजा ये निकला कि एक मर्द है वो लोंडी किसी के भी हो उसके सीने को भी देख सकता है, नज़र कर सकता है उसकी तरफ, वो भी मर्द के लिए नाफ से घुटने के अलावा वो नज़र कर सकती है, ये एक मसला है जिसका एक नतीजा निकल आता है। अच्छा, देखिएगा कि अगर ज़ाहिर है ये मसला अगर है हमारे दीन के अंदर तो कुरान पाक ने इसको ज़िक्र किया होगा, या हम बोलें अगर रिवायात से मसला खस किया गया है तो कोई ना कोई ऐसी रिवायत आपके पास होनी चाहिए जिसको हम कहें कि सनद में ठीक है मतन में भी ठीक है, यानी सही रिवायत होनी चाहिए। हैरत वाली बात यह कि इस मसले के ऊपर कि लोंडियों का सितर नाफ से लेके घुटना होता, एक भी न कुरान की आयत मौजूद है न एक भी सही हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कभी कोई तालीम इरशाद नहीं फरमाई, ना ये मसला है ही नहीं कुतुब हदीस के अंदर, बिल्कुल है ही नहीं, ना सही तौर पर ना ज़ईफ़ तौर पर। अच्छा, एक रिवायत है ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ढूंढ डांड के निकाल लेंगे तो वो मुसनद अहमद बिन हम्बल की और दार कुतनी की रिवायत है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि आम लोगों के लिए लोंडियों का जो सितर है वो ऐसा है, रिवायत ये भी ज़ईफ़ है, लेकिन इसका मफहूम यह है कि इज़ा ज़व्वज अहदुकुम अब्दहु अवामतहु फला यन्ज़ुरन्ना इला औरतिहा, कि अगर एक शख्स है उसके पास लोंडी है, इसने क्या किया कि इस लोंडी को निकाह कर दिया, इसका आगे
इसके बाद फिर हदीस के अल्फाज हैं, फला यंदुरन इला औरतिया, निकाह कर देने के बाद अब इस शख्स को इजाज़त नहीं है कि वो उस लोंडी की शर्मगाहों की तरफ नज़र भी करे, क्योंकि इसने आगे निकाह कर दिया, अब वो उसकी इस्मत हो गई। इसके अंदर, इस रिवायत के अंदर भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है। आम लोगों के लिए उसका सितर है, नाफ से लेके घुटना हर बंदा देख सकता है, कोई जिक्र नहीं। हालांकि ये रिवायत भी ज़यीफ़ है और नहायत दर्जे की मुस्तरब है, ना इसका मतन ठीक है ना इसकी सनद ठीक है। ये दारकुतनी की और मुसनद अहमद बिन हम्बल की रिवायत। कहने का मकसद, एक चीज़ कुरान ने ज़िक्र ही नहीं की, एक चीज़ नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हमें मिली ही नहीं, रिवायात तक भी उसके अंदर मौजूद ना हो, तो ये मसला कहाँ से अखज़ कर लिया गया कि जो बास किताबों में आ गया कि मर्दों के लिए लोंडियों के मामलात ऐसे थे कि उनका नाव से लेके घुटना सिर्फ सितर था, बाकी जिसम उसका लोग देख भी लेते तो कोई मसला नहीं, नज़र भी कर लेते तो ना कोई गुनाह नहीं है उसकी तरफ। ये बिल्कुल फजूल किस्म का एक मसला था जो बास फिका की किताबों में आ गया। इसलिए कई उलमा कहते हैं कि हमें यही गुमान है कि ये मसला शायद जो तहरीफ करने वाले शरारती लोगों, किसी ने ये शरारत की हो किताबों में ऐसा मसला लिख करके, वही फिर आगे नकल भी होता रहा और बहुत सी किताबों के अंदर ये नकल दर नकल जुज़ियात आती चली गई। ज़्यादा मैं मोहम्मद बिन साले उसैमीन साहब या अल्बानी साहब, इनके कुछ चंद पैराग्राफ हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ इस मसले के ऊपर। ये दीन इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी एक ज़रब थी, जिसकी तरफ से भी बहुत सी किताबों के अंदर ये मौजूद, आज भी मौजूद है, आज भी फ़िका की या बहुत सी किताबें पढ़ लें उसमें ये मसले मिल जाते हैं। भाई लोंडियों का सितर क्या, नाव से घुटना, एक आम बंदा जो है वो लोंडी के नाव से घुटने के अलावा हर चीज़ को देख भी सकता है, क्यों देख सकता है भाई, क्यों देख सकता है। जो इल्लत एक आज़ाद औरत से हमारे दीन ने तसत्तुर की रखी है, वही इल्लत एक लोंडी के हक में भी पाई जाती है, हर आकिल बालिग शख्स इंसान समझता है। तो बिल्कुल ये फजूल किस्म का मसला था। अब देखिएगा कि इसमें मौदिस अल्बानी साहब और मोहम्मद बिन साले उसैमीन साहब, इन दोनों के मैं कुछ कुछ पैराग्राफ्स आपको पढ़ सकता हूँ। फ़कान अमीन अल अजाइब अन बालगा बादुल मुफस्सिरीन बिहादिहि रिवायात ज़ईफा फ़क़य्यदू क़ौलहु तआला व निसा अल मुमिनीन وقال فيجوز للاجنبي النظر الى شعر الامه وذرائها وساقها وصدرها وثديها। उन्होंने कहा हैरत वाली बात यह होती है, बास किताबों में ऐसी बातें भी हमें मिल गईं और मुफस्सिरीन भी बहुत से ऐसे मिल गए, बहुत से मुफस्सिरीन भी ऐसे मिल गए कि कुरान की आयतों के अंदर जहाँ वो पर्दे की आयत हैं उसके तहत लिख के चले गए कि ये जो लोंडी है उसके लिए पर्दा बस नाव से लेके घुटना है। अल्लाह ने जितने पर्दे के अहकामात बयान किए हैं लोंडियों के लिए नहीं थे, मर्दों को इजाज़त है। क्या इजाज़त है? फ़याजूज़ुल अजनबिया नज़र इला शार इलामाती, और लोंडियों के बालों को देखें, उनके हाथों को देखें, उनकी पिंडलियों को देखें, उनके सीने को देखें, यहाँ तक कि उनके पिस्तानों को भी देखें। ये बहुत सी तफसीर के अंदर भी जिक्र हो गया, फिका की किताबों में भी, तफसीर में भी जिक्र हो गया। अगर वनहनु नबरा मिन हाज़ा तफ तफसीर अल्फासिद अल्लज़ी हुवा इम्मा ज़िलतु आलिम अव इफ्तिरा काज़िब फासिक। उन्होंने कहा दो बातें हो सकती हैं बस, या तो किसी आलिम की गलती हुई थी तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे, वरना शरारत लग रही है ये इफ्तिरा और काज़िब फासिक, किसी फासिक शख्स ने झूठ बोलकर दीन पर इफ्तिरा बांधा, ऐसी बातें जो है ना हमारी किताबों के अंदर आ गई। तो ये मैंने चंद चीज़ें आपको बयान कर दी हैं जिससे बिल्कुल एक वाज़े हो जाता है कि एक किसी भी किताब के अंदर कोई मसला जिक्र हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो मसला ठीक हो, वो किताब चाहे तफसीर की है, वो किताब चाहे हदीस की है, वो किताब चाहे फ़िका की है, उसको चेक किया जाता है, देखा जाता है कि उसके पीछे कोई दलील मौजूद है या दलील मौजूद नहीं है। दलील है फिर उस दलील का भी जायज़ा लिया जाता है कि वो दलील काबिल एतबार है या उसके अंदर कोई नक्स है, इस्तदलाल की कोई कमी रह गई है, कोई नक्स रह गया उसको दूर किया जाए, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, इसके बाद कोई नतीजा निकाला जाता है। लिहाजा कभी भी मरऊब नहीं हो जाया करें कि अगर कोई आपको रेफरेंस दे दे या देखो फलां किताब के अंदर ऐसी चीज़ लिखी है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे तहकीक करेंगे उसके बाद अब नतीजा निकालेंगे। हमारा ईमान अल्लाह पर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है, उसके बाद जो लिखी हुई किताबें हैं इसके अंदर ठीक बातें भी हैं, इसके अंदर कमी कोताही नक्स वाली बातें भी हैं, और जहाँ कहीं नक्स वाली बात आ गई कोई बात नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। हर फिका के अंदर यही ज़ाबिता याद रख लीजिएगा, फिका हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, जब आप इसकी स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं फ़िक्र के अंदर, तो एक उसूल बुनियादी पढ़ाया जाता है कि हर वो बात कि जो अकवा मिन हैसु दलील होगा मुफ्ता भी होगा, यानी हर वो बात, हर वो मसला जो दलील में जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा उसी पर फतवा दिया जाएगा। अब ये देखने के नज़रिए अलग है, तो हर बात को जज किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद फैसला करते हैं कि ये बात काबिल इस्तेदलाल है या नहीं। लिहाजा ये मसला मैंने जिक्र कर दिया तफसील के साथ, और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये बात समझ में आ जाएगी।
लिहाजा आज भी जो इन जुज़ियात के ऊपर कयास करते हैं कि यार लोंडियों के साथ चूँकि पर्दा होता नहीं था, आजकल लोंडियाँ नहीं हैं, आज़ाद औरतों के लिए भी पर्दे के अहकाम बिल्कुल गलत, इसलिए कि जिस पर कयास कर रहे हैं वो मसला ही गलत है। हमारे दिन में ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी बात, तसत्तुर का एक ही हुक्म था हर एक के लिए मुसलमानों में। आज जो इस्लाम नहीं लाए हुए थे, जो ख़वातीन गैर मुस्लिम थी, वो अगर पर्दे तसत्तुर नहीं करती थी तो उनका मसला अलग, लेकिन मुसलमानों के अंदर चाहे वो आज़ाद थी चाहे वो जो लोंडियाँ थीं, सबके लिए तसत्तुर के मामलात एक जैसे हुआ करते। यही हमारे दीन का असूल है। ये इस्तदलाल ही बातिल है जो उन्होंने आजकल की लोंडियों के ऊपर आज़ाद ख़वातीन को कयास करके नताइज निकाल दिए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकअल्लाह।